अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जे डॉट एस एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। मार्केट में जो है ना, आज सुबह से कुछ पेमेंट प्लान जो है ना, वो जो है ना सर्कुलेट हो रहा है फैसल टाउन फेज़ टू के हवाले से, ठीक है। और वो सर्कुलेशन होते होते जो जिन लोगों ने हमारे साथ कन्फर्मेशन की है, ठीक है, जिन लोगों ने कहा है कि हम आपको पे ऑर्डर देंगे, तो उन तक भी पहुँचा है। तो क्लाइंट्स जो है ना, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी क्लाइंटेज है जिन्होंने ऑलरेडी हमें एडवांस बुकिंग और कुछ लोगों ने तो हमें पूरी पेमेंट भी दे भेज दी है कि हम आपने हमारी जो है ना वो बुकिंग करवानी है। तो उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने जो है ना हमें कॉल की कि सर जी पेमेंट प्लान तो आ गया, आपने अभी तक हमसे शेयर नहीं किया, और जो है ना आप ताकि हम पे ऑर्डर्स जो है ना जिन लोगों ने पे ऑर्डर लगवाना है ताकि हम पे ऑर्डर्स वगैरह लगवा के तो बेफिक्र हो जाएँ। तो इस हवाले से कि यार ये जो पेमेंट प्लान मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, रेट जो आ रहा है, ठीक है, क्या बाकी ये जेन्युइन है, ठीक है, इसको मैं क्यों नहीं शेयर कर रहा, ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, आपने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी साबित होने वाला है इंशाल्लाह। तो सर जी, इस तरह है कि मार्केट में बहुत सारी जो है ना वो र्यूमर्स हैं, ठीक है, तीन चार वो पेमेंट प्लान सर्कुलेट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ एंगल से। किसी ने जो है ना फैसल टाउन की स्टैंप वाली तस्वीर जो है ना वो सर्कुलेट की हुई है, किसी ने जो है ना वो बिल्कुल जो है ना ब्लैक एंड वाइट किस्म की तस्वीर घूम रही है तो पेमेंट प्लान की। तो मैं मतलब उसमें से एक पेमेंट प्लान ऐसा है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, ये मतलब इसमें से तकरीबन 99.99% चांस है कि ये जो है ना ऑथेंटिक होगा। लेकिन जो अभी आपकी तस्वीर भी वो अब शो हो रही होगी, ये मेरे ख्याल में नज़दीक तरीन पेमेंट प्लान है। लेकिन आपको मैं अभी तक फिल वक्त जो है ना अभी भी आपको ये कंफर्म नहीं करता कि ये पेमेंट प्लान ऑथेंटिक है या नहीं। देखें, आप ये ऑर्डर उस नाम का लगा दें, ठीक है, आप बाद में जो है ना उसमें तकरीबन डाउन पेमेंट में 50,000 लाख का डिफरेंस होगा, तो आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट तो हो जाती है लेकिन थोड़ा सा आप भी कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है, और फिर जो है ना आपको थोड़ी सी तरद्दुद करनी पड़ेगी, हमें भी थोड़ा सा जो है ना वो पे ऑर्डर फिर दोबारा करवा के थोड़ा सा हम जैसे कहते हैं करेक्शन में टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से आपने जिन लोगों ने मेरे साथ कमिटमेंट की हुई है, जिन लोगों ने मेरे साथ कंटेंट सुन के मेरी यूट्यूब चैनल देख के मेरे साथ मेरे पे इतबार किया है, तो उनको अभी थोड़ा सा और भी इतबार कर लेना चाहिए कि कुछ दिनों में इंशाल्लाह कुछ विद इन फ्यू आवर्स भी कह सकते हैं आप जो है ना इंशाल्लाह पेमेंट प्लान ऑफिशियली जो है ना वो अनाउंस हो जाएगा, और वो पेमेंट प्लान इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह शेयर करूँगा, और फिर आपको जो है ना इंशाल्लाह इस बारे में सारी चीज़ें तफसीलात भी बताएंगे। फिर आप लोगों ने जो जिस चीज़ का बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि पे ऑर्डर्स हम बना के तो फौरी तौर पर जमा करवा दें और हमें लेवल पे जो है ना वो फाइल्स मिल जाएँ, तो वो इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा और वेट करें। और मार्केट में जो थोड़ी बहुत ड्रिबलिंग कर रहे हैं लोग, थोड़ी बहुत ये है कि मुख्तलिफ कुछ ऐसे लोग हैं जो जुमा जो है ना 8 दिन हुए हैं उनको, और वो मार्केट में हुए हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो वो बड़ा यानी कि मामलात को गंभीर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जब तक फैसल टाउन की जो है ना ऑफिशियली लॉन्च्ड पेमेंट प्लान नहीं आता, आपने किसी पे बिलीव नहीं करना, मेरे पे भी बिलीव नहीं करना, आपने जो है ना बिल्कुल जो है ना ऑथेंटिक वे ऑफ जो प्रोसीजर होता है उसको आपने फॉलोअप करना है। तो इंशाल्लाह जो है ना जिस तरह हमने कमिट किया हुआ है एज़ पर कमिटमेंट हम जो है ना इंशाल्लाह हम उनको जिनके साथ हमने कन्फर्मेशन ली हुई हैं, जिनके साथ वर्बली कमिट किया हुआ है, इंशाल्लाह एज़ पर कमिटमेंट हम उनको इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे, लेवल पर चीज़ें देंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जो लोग अभी तक कन्फर्मेशन देने में थोड़े से पीछे हैं या सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सैकड़ों काल मुझे ऐसी आई हैं जिन्होंने वर्बली हमें डन किया लेकिन अभी तक कन्फर्मेशन नहीं दी। कन्फर्मेशन का मकसद ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने करोड़ों रुपये डील उठाने में लगा दी हैं, लेकिन कन्फर्मेशन का मकसद सिर्फ एक है ताकि हम पाबंद हो जाए, हमें पता हो कि यार ये बंदा सीरियस है लेने में। ये एक मार्केट का रूल होता है, मार्केट की एक रवायत है। आप देखें कोई रिलेटिव हो या कोई जानने वाला हो वो तो अलग बात है, बहुत सारे यूट्यूब क्लाइंट्स हैं हमारे जिन्होंने हमारे साथ पहले भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन की हैं, तो हमें पता है वो फिर हम उनके साथ जो है ना वर्बली ही हमारा सिस्टम चल जाता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम होता है, जो इनिशियल जो है ना वो डील करने जा रहा होता है, तो उसको चाहिए कि वो एज़ पर जो है ना रूल वो कन्फर्मेशन टोकन भेज दें, ताकि क्योंकि इस टाइम रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, और जिनके पास ऑथेंटिक अवेलेबिलिटी है उनके पास जो है ना वो ग्रेजुअली जो कोटा है वो फिलअप हो रहा है, और उसमें इस तरह होगा
जो बंदे ग्रेजुअली पहले कंफर्मेशन भेजेंगे तो उन्हीं को जो है ना हम इंशाल्लाह एंटरटेन करेंगे, और जैसी बुकिंग आ जाएगी फिर थोड़ा अगर लेवल से अप रेट जाता है या ऊन पे जाता है तो फिर लोगों ने हमें कॉल्स करनी है, फारूक भाई हमारे लिए फ़ाइल लेके, हमारे लिए, फिर हम कहेंगे भाई हमारे हाथ खड़े हैं, अभी जो है ना हमारे हाथ कुछ भी नहीं है और उस टाइम हमने आपको कहा था। तो इस चीज़ से जो है ना वो इस सिर्फ एक ये पॉइंट है जिसको मैं मतलब जो है ना वो एलेबरेट कर रहा हूँ। बाकी प्रोजेक्ट के वाले से मैं आपको बताता चलूँ, प्रोजेक्ट के वाले से बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, पानी का उसके अंदर कोई मसला नहीं है। जिस तरह चौधरी साहब कहते हैं ना कि पानी पे तैरता हुआ फैसल है, सेम जो है ना पानी पे तैरता हुआ फैसल इज़ टू भी, फैसल टाउन टू भी जो है ना इंशाल्लाह सेम इसी तरह प्रोजेक्ट है, लोकेशन आउट क्लास है, ठीक है। और इसके अलावा जो उसमें बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो इंशाल्लाह होंगी, 5 स्टार किस्म का इसको प्रोजेक्ट को बनाने जा रहे हैं, चक्री के साथ है, छलिया के साथ है, ठीक है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ बिल्कुल अटैच है। जो रिंग रोड बन रहा है उसके साथ 0 किलोमीटर होगा, एयरपोर्ट से तकरीबन 4 टू 5 किलोमीटर, सॉरी 4 टू 5 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर ये लोकेट करता है। तो मैं कहता हूँ कमाल का प्रोजेक्ट है, आप लोगों ने जो है ना वो टाइम से इन्वेस्टमेंट कर दें ताकि आपको अच्छी टाइम पे इसका रिटर्न मिल सके। ऑन द अदर हैंड जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं और जो कि आपको पता है कि काफ़ी सारी उनकी जो है ना मेहनत होती है वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से वो जो है ना अर्निंग करते हैं, उनको मैं स्पेशली कहूँगा कि इस किस्म के सॉलिड प्रोजेक्ट में इनिशियली जो है ना वो इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहे, और इन्वेस्टमेंट भी आप कम से कम दो दो कनाल का जो फार्म हाउस है उसमें करें ताकि आपको एक लग्जरी किस्म का लिविंग स्टाइल तो मिले आपको, मतलब एक CDA, क्योंकि आपको पता है चौधरी मजीद साहब शुरू से CDA में रहे हैं और उनका जो स्टाइल है ना काम करने का, जो डेवलपमेंट करने का, वो भी CDA वाला है। तो CDA के लेवल की जो है ना सोसाइटी हो और उसमें जो है ना आपको फार्म हाउस हो आपका, ठीक है, और उसमें आपने जो है ना ज़बरदस्त किस्म की रहाइश रखी हो, तो मेरे ख्याल में वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है, तो उसको आपको लाजमी अवेल करना चाहिए। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं, जो जो आप चीज़ें हमारे पास पहुँचेंगी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा, साइट पे भी जाऊँगा, और यानी कि मैं आपको बताऊँ ना कि मैं कैमरा लेके इंशाल्लाह हर जगह पहुँचाऊँगा आपके लिए। तो आपने सिर्फ एक काम करना है वो ये कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ये सारी अपडेट्स टाइम से मिल सकें। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।